ये देखो भाई, आप लोग भी जब भी फ्री हो, समय मिले आप लोगों को रात में सोने से पहले, कल जमशेदपुर में 300 से लेकर 400 के बीच में आदमी लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए हैं और कोविड केस में फिर से इजाफा हो गया, हल्का सा 5000 का इजाफा हुआ है। 2,63,000 कल आया था और आज 2,67,000 आया, और डेथ केस तो और भी बढ़ते जा रहे हैं। 4,300 था कल और आज हो गया 4,400 समथिंग। तो ऐसे देखो, अगर कोविड का कंट्रोल नहीं होगा तो मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है। और अभी तो मैं सुन रहा हूँ कि सिंगापुर का न्यू वेरिएंट आया है कोविड का, तो वो तो काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रभावी पड़ेगा। मतलब हम लोग को मार दो, जान से मार दो, हम लोग क्यों पैदा हुए हैं भाई ये सब देखने के लिए। यही दिन बच गया था अब देखने को। वैसे आज ब्लॉग का 15वां दिन है, 15 days ऑफ ब्लॉगिंग, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। और अभी 15 days बाकी है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या होता है इतने दिनों में। फिर बहुत लोग कल पुलिस बसेस में गए थे, पुलिस बसेस लेके आए थे, साथ में SP भी घूम रहे थे, तो उस तरह से तो कोविड का केसेस और भी बढ़ सकता है, जिस तरह से बस में वो लोग ठूस ठूस के ले जा रहे थे। और उसमें कम से कम नहीं भी तो 300 to 400 होंगे पीपल। और कोई कोई पता है क्या क्या करके खिलवाए, मेरे से भैया बता रहे थे, कोई बैडमिंटन खेल के पकड़ाया है, तो कोई बाहर अड्डाबाजी कर रहा था तो वो पकड़ा गया है। तो देखो, बाहर खेलना भी एक तो बहुत बड़ा रिस्क है, जैसे हम लोग घूमते हैं तो हम लोगों को भी डर लगे रहता है कि कभी पुलिस आके हम लोग पर हमला ना कर दे। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। अभी तो 10:30 हो रहा है, तो कुछ बनाने को मिलता है तो आगे हम लोग और बनाते हैं आप लोगों के लिए। इस वक्त बज रहा है दोपहर का 3:30। काफ़ी लॉसेस हुआ है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी अपने जो हैं इंडिया के, वो गए हैं गुजरात के लिए आज टूर पर। तो वहाँ पर काफ़ी मुझे सुनने में आया कि बहुत ही भारी लॉस हुआ है गुजरात में, खासकर ज़्यादा क्योंकि टोटका का असर वहीं पर ज़्यादा था। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आजकल उसी में आ रही है, पढ़ाई लिखाई में भी आजकल थोड़ा सा स्टार्ट करूँगा, थोड़ा सब बेसिक्स पढ़ूँगा क्योंकि अभी स्टार्ट होने वाला है मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसके लिए भी फुल्ली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और साथ में मतलब कि 12th का भी एग्ज़ाम में भी 99% तो श्योरिटी है कि नहीं होगा, बट हो भी सकता है, 1% चांस है, तो उसके लिए भी पढ़ाई करना पड़ेगा। क्या किया जाए, हमको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, दिमाग पूरा एकदम चक्कर खा रहा है, पढ़े नहीं पढ़े कंफ्यूज है दोनों तरफ से। और अभी का मौसम एकदम फर्स्ट क्लास हो गया है, इट्स विंड ब्लोइंग टुडे, देख लो आप लोग भी। आवाज सुन रहे हो, ये बादल गरजने का आवाज है और हवा का आप लोगों को आवाज आ रहा है, वू वू। सुनो, ऐसे करके आवाज आ रहा है, एकदम खतरनाक टाइप से। और यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा पेड़ है, तो और भी ज्यादा आप लोगों को आवाज आ रहा होगा। सारे स्कूल्स में फिर से प्रैक्टिस टेस्ट करवाया जा रहा है, ये क्यों मुझे भी नहीं पता चल रहा है। आई डोंट नो, क्या बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने वाला है, क्या कि नंबर अच्छे आने वाले हैं हम लोगों के, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला, प्रैक्टिस एग्जाम वो हम लोग का भी है 25th से। और मैं इंटरनेट पर भी पढ़ रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्कूल जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट ले रहे हैं, वो कह के कि बच्चों का एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो वही मार्क्स को ऐड ऑन कर दिया जाएगा। एक लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डालता हूँ, वो देख लेना आप लोग, वो जाके पढ़ लेना, आप लोगों को हेल्प करेगा। देखो मेरे ख्याल से तो लगता है 99% चांस है बोर्ड्स नहीं होगा, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। तो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, आज हमारे घर में गेस करो क्या आया है, गोलगप्पे आए हैं, वो भी ऑर्डर करके। क्या जमाना आ गया है कि गोलगप्पे भी अब ऑर्डर करके मंगवाने पड़ रहे हैं। अभी कुछ जान पहचान का था तो उन्होंने कहा कि ये लोग ऑर्डर दे रहे हैं, तो लोगों ने किया ऑर्डर। सो देखो अभी कैसा है, पानी आ गया मेरा, तो मस्त जा रहा हूँ खाने के लिए अभी। So we are going to have this one and we will meet you after eating. So let's go for it. First class अभी हम लोगों ने गोलगप्पा खा लिया, उसके बाद सोचा कि एक दो राउंड टहल लिया जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पेट भर गया, तो ओवरलोडेड तो नहीं खाए थे बट तब भी थोड़ा सा पेट भरा भर लग रहा है, तो 1 to 2 राउंड हम लोग वॉकिंग करेंगे। और मास्क इसलिए पहने क्योंकि पुलिस राउंडिंग कल मार दिए थे, तो हम लोगों को अभी मास्क पहन कर। तनु है साथ में पीछे, हाय बोल दो। कैसी हो? बहुत अच्छे। शी इज एब्सोल्युटली फाइन, आप लोग भी अच्छे ही होगे होप करता हूँ। अभी घूमते हैं थोड़ा सा, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को बहुत जल्द।
तो ये देखो भाई, आप लोग भी जब भी फ्री हो, समय मिले आप लोगों को, रात में सोने से पहले लूडो खेल लिया करो, बहुत मजा आता है भाई। हम लोग तो बहुत यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी क्या कर रहे हो, फटाफट से लूडो डाउनलोड करो और अपना एंजॉयमेंट करो, लॉकडाउन का एंजॉय करो। तो यार बहुत ही अभी गर्मी लग रही है यार, फिर से जमशेदपुर के मौसम को क्या ही बोलूँ। कभी इस तरफ करवट ले लेता है, कभी इस तरफ करवट ले लेता है, कोई ठिकाना नहीं है जमशेदपुर के मौसम का। और महाराष्ट्र और गुजरात में तो काफ़ी भारी नुकसान हुआ है, ऐसे मैं देखा 90 डेथ्स हो गया गुजरात में। मुंबई महाराष्ट्र में लगभग मेरे ख्याल से 9 से 10 लोग मरे हैं और कुछ लोग घायल है। ये सब न्यूज़ इकट्ठा करते रहता हूँ आप लोगों के लिए। वैसे तो होप करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता होगा। और आप लोग क्या कर रहे हो यार, व्यूज़ थोड़ा सा दो मुझे, थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल में नए हो तो। दलमाला ब्लॉग देखो जाकर, काफ़ी बढ़िया बना था, आप लोग उसे भी सपोर्ट करो और उसे आगे तक पहुँचाओ। तो चलो इस वीडियो को यहीं आज एंड करते हैं। होप करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन आडियोस।